सो हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कॉटन यान के एक्सपोर्ट्स के बारे में और कंट्री वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन सी कंट्री में यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले और इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं वो यूएन कॉमट्रेड और ट्रेड मैप जैसे ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस से लिए गए हैं और कुछ फिगर्स ऐसे भी हैं जो प्रोजेक्शन और एस्टिमेशन के तौर पर आपको बताए जाएंगे। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट में जो सबसे पहली कंट्री आती है वो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में फिगर्स जो है वो कुछ इस तरह से है। जनवरी से अगस्त 2020 में 455,000 US डॉलर का जो है वो एक्सपोर्ट की वैल्यूएशन हुई थी। सो वहीं अगर हम जनवरी से अगस्त 2021 में देखें तो ये फिगर जो है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन हमें ये दिखाती है कि आने वाले टाइम में भी बांग्लादेश में बहुत ही अच्छी डिमांड रहने वाली है कॉटन यान की। इसके बाद जो सेकंड है हमारे लिस्ट में वो है चाइना, और चाइना के फिगर्स हम देखें तो जैन से अगस्त 2020 में 362,000 US डॉलर्स की जो वैल्यूएशन थी वो निकली थी, और वहीं 2021 के नंबर्स देखें तो जैन से अगस्त 2021 में 644,000 US डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो निकल के आ रही है। सो यहाँ पे चाइना भी एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल माना जा सकता है कॉटन यान के एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम थर्ड रैंक पे देखें तो वियतनाम आ रही है। वियतनाम 95,000 US डॉलर की वैल्यूएशन जैन से अगस्त 2020 तक की थी, और वहीं जनवरी से अगस्त 2021 में 144,000 US डॉलर की वैल्यूएशन रही है कॉटन यान के एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट जो है वो पोर्टुगल है। पोर्टुगल में जैन से अगस्त 2020 में 83,340 US डॉलर की जो है वो वैल्यूएशन रही है, और वहीं अगर जैन से अगस्त 2021 देखें तो 121,000 US डॉलर की वैल्यूएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। नेक्स्ट कंट्री देखें तो वो है इजिप्ट, और इजिप्ट में अगेन वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी निकल के आई है। जैन से अगस्त 2020 में 94,200 US डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन हुआ है, और जैन से अगस्त 2021 में 112,000 US डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन निकल के आया है। इसके बाद पेरू है। पेरू भी एक बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जा सकती है अगर हम कॉटन यान के एक्सपोर्ट की बात करें तो। यहाँ पे नंबर 6 के रैंक पे आ रही है। जैन से अगस्त 2020 में 64,550 यूएस डॉलर का वैल्यूएशन रहा है, और वहीं 2021 में यही मंथ्स के बीच में हम देखें तो 94,340 US डॉलर का वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। इसके बाद कोरिया है। कोरिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। जनवरी से अगस्त तक 2020 में 52,000 US डॉलर से ज़्यादा का वैल्यूएशन हुआ है, और वहीं अगर 21 में सेम मंथ्स की रेंज ली जाए तो 85,700 US डॉलर का वैल्यूएशन रह चुका है। श्रीलंका नंबर 8 के रैंक पे है, और श्रीलंका में भी अच्छा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैन से अगस्त 2020 में यहाँ पे 42,210 US डॉलर का जो वैल्यूएशन था, और अगर हम सेम मंथ्स में 2021 में देखें तो 71,110 US डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन हुआ है। नेक्स्ट है कोलंबिया, और कोलंबिया भी अच्छी कंट्री मानी जा सकती है अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो। जैन से अगस्त 2022 में 24,370 US डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन हुआ है, और वहीं सेम मंथ्स की रेंज में 2021 में 60,620 US डॉलर का वैल्यूएशन हो चुका है। नंबर 10 पे टर्की आती है, और टर्की में यहाँ पे जनवरी से अगस्त 2020 में 54,660 US डॉलर का वैल्यूएशन हुआ है, और वहीं 2021 में जैन से अगस्त के बीच में 44,680 US डॉलर का वैल्यूएशन हुआ है। टॉप 10 के लिस्ट के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैन से अगस्त 2020 में 375,000 US डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन हुआ था, और वहीं जैन से अगस्त 2021 में 517,000 US डॉलर से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो चुका है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो 2022 और बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्शन ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है
ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है और इस ग्रोथ का बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये थी एक बहुत ही जरूरी अपडेट जो आपको जाननी जरूरी थी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ हम ऑलवेज आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे, और अगर आपको ऐसी ही अपडेट्स के साथ इन्फॉर्म्ड रहना है तो और कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सो आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के इस बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम अगले वीडियो में आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।